निकाल माल निकाल ले जी निकाल ले लगा ये ला लगा दिया मेरी तरफ लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हैदराबाद आतिश की ओनर दादू जो के डिप्टी डायरेक्टर हैदराबाद ने एलोकेशन दिए दादू से और ये माल की जो पोजीशन है ये जानवर भी नहीं खा सकता तो ले आ जा। ये देखो मैं इधर तू इधर बना बस मेरी। मैं सीएम से कहता हूँ कि अगर कुर्सी पे बैठ के आप निजाम को नहीं चला सकते इंसाफ नहीं कर सकते तो रिजाइन दे। मैं मिनिस्टर फूड हरिराम कसूरी लाल को कहता हूँ अगर आपके बस की बात नहीं है ये इंसानों के लिए माल नहीं है तो जानवर भी नहीं खा सकता। आपको जरदारी साहब ने अगर मिनिस्टर बना दिया है मैं डायरेक्टर फूड को भी कहता हूँ मैं डिप्टी डायरेक्टर हैदराबाद को भी कहता हूँ कि ये माल देखिए ये जानवरों के काबिल भी नहीं है तो लिहाजा चीफ एग्जीक्यूटिव जो सीएम है मुराद अली शाह साहब ये माल तो देखिए अगर आपके बच्चे ये आटा खा सकते हैं रोटी खा सकते हैं तो बताएं। ये एहतजाज हम इसको इतना वसी करेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी कि सिंध गवर्नमेंट ऐसा माल देती है। ये पूरे वर्ल्ड में हम एहतजाज को वसी करेंगे और सीएम साहब से अपील है कि वो इस्तीफा दे। सीएम साहब तुम्हारे बस की बात नहीं है ये जानवर वाला माल तुम दे रहे हो ये जानवर भी नहीं खा सकता इंसान कहां से खाएगा। तुम सीएम की कुर्सी पर बैठ के ये समझो सिंध में इंसान रहते ही नहीं जानवर रहते हैं सिंध में। ऐसी गंदम जो अरबों खरबों रुपए की गंदम हर साल खराब होती है कोई ख्याल करने वाला नहीं है। मैं ये एहतजाज आर्टिकल 109 199 113 114 के तहत कर रहा हूँ जो पाकिस्तान का आइन मुझे इजाजत देता है। भुट्टो साहब ने 73 के अंदर जो आइन पास किया था पार्लियामेंट पाकिस्तान में मैं उसके तहत और मैं इसके लिए हाई कोर्ट के अंदर 199 के तहत एहतजाज करूंगा कि ये माल है या तो हमारा मसला हल किया जाए वरना हम सुबह हैदराबाद में पटिशन दाखिल करके 199 के तहत कि ये माल है। सीएम साहब फौरी तौर पे इस्तीफा दे मिनिस्टर हरिराम कसूरी लाल फौरी तौर पे इस्तीफा दे डायरेक्टर फूड इस्तीफा दे और डिप्टी डायरेक्टर हैदराबाद इस्तीफा दे डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हैदराबाद इस्तीफा दे फूड डिपार्टमेंट बिल फौरी तौर पे इस्तीफा दे कैबिनेट को चेंज किया जाए ये जानवरों जैसा माल कौन खाएगा। क्या तुम्हारे बच्चे ये माल खा सकते हैं ये माल इंसानों के लिए ये पड़ा पड़ा इधर मार सड़ गया। मैं पाकिस्तान का एक बिजनेसमैन हूँ पूरी दुनिया के अंदर बिजनेसमैन के टैक्स से निजाम चलता है क्या क्या टैक्स हम इसलिए देते हैं कि ये माल पड़ा पड़ा सड़ जाए और तंग हमारे पैसों से तनख्वाह दी जाती है तमाम मुलाजिमों को कोई हिफाजत करने वाला नहीं है कोई डिप्टी डायरेक्टर नहीं है कोई डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर नहीं है कोई डायरेक्टर नहीं है और सीएम साहब से क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है सारे मिनिस्टर उससे नीचे हैं तो लिहाजा सबसे पहले सीएम इस्तीफा दे। बिलावल भुट्टो साहब ये देखिए माल जरदारी साहब आप कहते हो हमसे कुछ सीखो ये माल देखो तुम्हारे सिंध में क्या हाल हो रहा है। अगर भुट्टो साहब दुनिया से अगर चले गए हैं मोहतरमा मैनेजर भुट्टो अगर दुनिया से चले गई है तो सिंध का ये हाल है आज। बिलावल भुट्टो साहब जानवर भी नहीं खा सकता तो लिहाजा आप सियासत छोड़कर कोई दूसरा काम करें ये माल की हालत तो देखो कम से कम। ये एहतजाज इतना वसी करेंगे ये पूरे वर्ल्ड में फैलाएंगे। लिहाजा ये जालिम बादशाह ने भी ऐसा काम नहीं किया होगा। अगर ये माल इंसान खा सकता है तो फिर मैं सिंध गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं ये सड़ा हुआ माल ये बदबू वाला माल जिसकी कोई हिफाजत करने वाला नहीं पैसा आवाम का हो
नेल्सन मंडेला अपनी 11 किताबों में लिखता है ताकत का चश्मा अवाम है। भुट्टो साहब अपनी 7 किताबों में लिखते हैं कि ताकत का चश्मा अवाम है। मोहतरमा बेनजीर कहती थी अवाम के बगैर एक लम्हे नहीं चल सकती। और ये माल की हालत देखिए, हम बैंक में पैसे भर चुके हैं।